हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में मैं दोबारा सिखा रहा हूँ आपको स्टडी का, और स्टडी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले एक चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, उस चैप्टर का नाम था वाहन व्यवहारिक समस्या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर ये आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी, चेकआउट कीजिएगा। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नियुक्ति एंड फेयरवेल लीव समस्या असाइनमेंट एंड रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब मैं बता दूं चैप्टर के अंदर दो टाइप के सम्स आते हैं, एक नियुक्ति के रिलेटेड सम्स आएंगे और एक फेयरवेल के, मतलब एक असाइनमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे और एक रिप्लेसमेंट। तो आज मैं एक टाइप का सम्स कंप्लीट करने वाला हूं, मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं फेयरवेल की समस्या रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। ये चैप्टर भी एग्जाम में 14 मार्क का आता है, वीडियो आपको लास्ट तक देखना जिससे मेथड कंप्लीट समझ में आ जाएगी, एक सम्स आपको टोटली एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक जो है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बात ले लेता हूँ, एक प्रैक्टिकल सम्स ले लेता हूँ। देखिए मैं सम्स लिया है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी स्टेप से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सबसे पहले आपको क्या रीड करना है, स्टार्टिंग में पैराग्राफ में लिखा गया है कि जो भी हमने मशीन परचेस किया हुआ है, जो भी हमारा मशीन है उसके प्राइस दिया गया होगी, वो मशीन हमने कितने में परचेस किया होता है, सबसे पहले वो प्राइस दी हुई है और सम्स में दी ही गई होगी। देखो कितना दिया गया है यहाँ पर, 9500 दिया गया। उसके बाद ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ब्रैकेट की जगह पैराग्राफ में भी इन्फॉर्मेशन दी गई हो सकती है, वाला सम्स भी मैं चलाऊंगा ऐसे। तो सबसे पहले ईयर वर्ष दिए गए, कितने दिए गए, 6 ईयर दिए गए, राइट। उसके बाद दो खर्चे दिए गए, पहला सॉरी खर्चा दिया गया, कॉस्ट दिया गया, कौन सा कॉस्ट है, निभाव खर्च मेंटेनेंस कॉस्ट दिया गया। उसके बाद सेकंड एक दिया गया पूर्ण वेचन कीमत रिसेल प्राइस दिया गया। और आपको क्या पता करना है कि मशीन कितना समय ना अंत बदलू जो ये, मतलब ये मशीन जो है कौन से ईयर में रिप्लेस करना चाहिए, वो हमको फाइंड आउट करके उनको बताना है कि कौन से ईयर में उसको रिप्लेस करना बेस्ट रहेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये ब्रैकेट आपको रेडी कर देना है, इसके अंदर यही ब्रैकेट से कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी सम्स रिप्लेसमेंट का फिर बल्ली का इसी ब्रैकेट से सॉल्व हो जाएगा। पहले ब्रैकेट का नाम है वर्ष ईयर, तो जिसमें आपको पता है यहां पर कितने दिए थे, 6 ईयर दिए थे सम्स में। अगर पैराग्राफ में दिया हो और ईयर ना दिया गया हो तो आपको कितने ईयर लेने के, 5 ईयर ले लेने के, अगर कुछ ना इन्फॉर्मेशन हो तो, जब पैराग्राफ में पूछा रहेगा ना ऐसा तो आपको 5 ईयर लेने के ऑलवेज। उसके बाद सेकेंड कौन सा ब्रैकेट टेबल है हमारा, निभाव खर्च मेंटेनेंस कॉस्ट, ये आपको सम्स में दिया गया होगा, हमको फाइंड आउट नहीं करना, ऑलरेडी दिया गया होगा। तो निभाव खर्च मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दिया गया है, राइट ना, 400 600 700, मैं रैंडम कर देता हूँ, फर्स्ट ईयर का दिया गया 400, सेकेंड का 600, फिर 700, 1000, 2000 और लास्ट ईयर में दिया 3000, ओके। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीज ही होता रहता है क्योंकि जैसे जैसे ओल्ड हो जाता है मशीन उसका कॉस्ट बढ़ता रहता है। सेकंड आपको कौन सा टेबल बनाना है, एक्चुअली ये अमाउंट दी नहीं, हमको फाइंड आउट करनी है, इसका नाम है संचय निभाव खर्च, संचय निभाव खर्च क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, जो निभाव खर्च दिया है मेंटेनेंस कॉस्ट उसका संचय क्यूमुलेटिव करना है कि फर्स्ट ईयर का कितना था, वही का भी राइट डाउन कीजिए 400, अब सेकंड ईयर में क्या होगा ऐड हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का 400, सेकंड ईयर का 600, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000, आपको ऐड कर देना है। अब सेकंड ईयर का 1000 ऐड करना, थर्ड ईयर का 700, तो हो जाएगा 1700, राइट ना। उसके बाद ऐड करना अगेन फोर ईयर का 1000, तो टोटल हो जाएगा 2700, कैलकुलेटिंग करना आपको आता होगा, संचय करना आपको आता होगा, प्लस अगेन कितना करना 2000, तो ये हो जाएगा 4700, उसके बाद प्लस कितना करना 3000 करना है, तो आपका हो जाएगा 7700। समझ लो ये टेबल कैसे किया, संचय निभाव खर्च कम्युनिटी मेंटेनेंस कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट दिया गया उसी को ऐड करते रहना है, ओके। उसके बाद ये ब्रैकेट देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है पूर्ण वेतन रीसेल प्राइस, मतलब अगर फर्स्ट ईयर में सेल करते तो इतना अमाउंट मिल जाएगा, सेकंड में करते तो इतना, जो अमाउंट डिक्रीज होता ही जाएगा क्योंकि जब मशीन न्यू होता है उसकी प्राइस ज्यादा मिलती है, और धीरे धीरे ओल्ड होता है तो उसकी प्राइस कम मिलती है, अमाउंट कभी दी होती कभी नहीं भी दी होती, इस सारे सम्स में दिया गया, राइट ना। जैसे रीसेलिंग प्राइस पूर्ण वेचन दिया गया, आप देख रहे हो 7000 6000 5000 दिया गया, मैं रैंडम कर देता हूँ, आप बुक में देख लीजिएगा सम्स, 7000 फिर दिया 6000, फिर थर्ड ईयर के लिए 5000 रीसेलिंग प्राइस है, फिर 2000 1000 और 500, ये दिया रीसेलिंग प्राइस, कभी ना दिया तो उसको डैश कर लेना है, आपको नील कर देना है। और इसके बाद ब्रैकेट हमको रेडी करना है, हमको पता करना है कि कौन सी ईयर में जाके चेंज करना चाहिए इस मशीन को। अब देखिए, अब हमारा नंबर फोर्थ होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कुल खर्च टोटल कॉस्ट, ये सबसे मेन होता है कि हमको
फाइंड आउट करना है कि रियल में टोटल कितना होगा कॉस्ट फर्स्ट ईयर का, सेकंड का, थर्ड का, इसी के बेस पर पता कर पाएंगे कि कौन सी ईयर में हमको चेंज करना चाहिए। तो कॉस्ट निकालते कहते हैं सबसे में जो फॉर्मूला दिया गया है, मैं विदाउट फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे आप पहले देखिए उसकी हमारी परचेस प्राइस या पड़तर कीमत, कॉस्ट प्राइस देखिए कितना था, 9500 था वो यन मशीन, राइट ना। अब आपको क्या करना याद रखिएगा, इसमें ऑलवेज आपको ये संचय का प्लस करना है, ओके। अब पूर्व विचरण क्या करना है, माइनस करना रहेगा। मैंने शॉर्टकट में आइटम का ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा कॉस्ट है ना, कॉस्ट इसको सी बोलते हैं, राइट ना, सी कॉस्ट, कॉस्ट में प्लस करना है संचय आवृत्ति का और माइनस करना है पूर्ण विचरण का, रीसेल का। अभी आपको कैलकुलेट करना है, कैलसी में डायरेक्ट में अमाउंट राइट डाउन करूंगा, जैसे कि 9500 प्लस कितना करना है 400 में फर्स्ट ईयर के लिए राइट डाउन करके बताता हूं, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। मैं निकाल के बता रहा हूं कुल खर्च, टोटल कॉस्ट, ऐसा आपको दिखाना नहीं है कहीं पर भी। सी, सी में अपना कॉस्ट प्लस क्या करना है, संचय निभाव खर्च, कम्युनिटी मेंटेनेंस कॉस्ट, और माइनस करना है पूर्ण वेचन, पूर्ण वेचन आपको क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा, रीसेल माइनस करना रहेगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर, पहले तो अपनी अमाउंट देख लीजिए कितनी है, 9500 प्लस क्या करना है संचय मेंटेनेंस कॉस्ट क्यूमुलेटिव वाला, माइनस क्या करना है रीसेल फर्स्ट ईयर का कितना है 7000। तो आपको जो कुल खर्च टोटल कॉस्ट मिल जाएगा वो 2900 मिल जाएगा, राइट है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए मैं राइट डाउन कर लेता हूँ। अब सेकंड ईयर के लिए सेम टू सेम प्रोसेस करना है, वही का वही कॉस्ट प्राइस देना है, प्लस अब कितना करना है 1000, माइनस कितना करना है 6000। आप कैलकुलेट कीजिएगा 4500 आएगा। क्या कर रहे हैं, खर्च जो दिया गया संचय निभाव खर्च वो वाला प्लस करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट और रीसेलिंग माइनस करना है। 9500 प्लस 1700 माइनस करेंगे 5000 तो 6200 आएगा। ये वाला कुल खर्च टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो रहा है। फिर अगेन 2700 प्लस करना है और रीसेलिंग का प्राइस क्या करना है, माइनस करना है। आप समझ रहे हो, थियोरिकली भी समझते हो, कॉस्ट होता है ऐड हो जाता है और रीसेलिंग माइनस हो जाता है, उसमें बोलने की जरूरत है, आपको पता चल रहा होगा। थर्ड ईयर के लिए प्लस करना है माइनस करना है, तो आपका अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ये प्लस करना और ये 500 माइनस करना है, यहाँ लास्ट ईयर के लिए 16700 आ जाएगा। ये हमारा टोटल कॉस्ट कुल खर्च मिला, समझ में आ गया होगा। कैसे, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, बस माइंड सेट कर लीजिएगा ये प्लस करना और ये माइनस करना। अगर ना दिया रीसेलिंग तो डैश हो जाएगा, कुछ भी माइनस प्लस माइनस नहीं होगा, समझ जाना, ठीक है। लास्ट है सरेराश वार्षिक खर्च, एनुअल कॉस्ट। अब ये कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी जो टोटल कॉस्ट आया ना, उसको डिवाइड किससे करना है, जो टोटल कॉस्ट आ रहा है आपका कुल खर्च जो आ रहा है उसको डिवाइड करना नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना, मतलब फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय कितना करना है, वन से करना है। तो आपका जैसे एक बार राइट डाउन करके बता दो, ऐसा करना नहीं आपको, वन से डिवाइड करना है, डायरेक्ट राइट डाउन कर लेना है। और सेकंड ईयर के जो कॉस्ट है टोटल कुल खर्च, उसको किससे डिवाइड करना चाहिए, आपको टू से डिवाइड करना चाहिए। सेकंड ईयर का है, इसके लिए किससे डिवाइड करने का, टू से। आपको दिखाना नहीं, जस्ट डायरेक्ट एक्स लिख देना आपका जो भी आएगा एनुअल सरेराश। थर्ड ईयर के लिए किसे डिवाइड करना है, आपको थ्री से डिवाइड करना रहेगा। मैं रैंडम कर लेता हूँ, डायरेक्टली थ्री से डिवाइड करके आएगा, ओके। पॉइंट में आ रहा है तो 6-7 इंक्रीज कर दिया। उसके बाद फोर्थ ईयर है, फोर्थ ईयर का 10200 डिवाइड बाय कितना होगा, फोर। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर एनुअल, ये अपना वार्षिक खर्च बन गया सरेराश। फिफ्थ ईयर के लिए किसे डिवाइड करने का, फाइव से डिवाइड करने का, ओके। और लास्ट सिक्स ईयर के लिए इस कॉस्ट को सिक्स से डिवाइड करने का, तो 2783.33 आ जाएगा। और ये अपना टेबल हो गया है कंप्लीट। अब इसी पर्सन को बताना है कि कौन सी ईयर में जाकर ये अपना जो मशीन है ना उसको चेंज करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। तो देखो कैसे हमको डिसाइड करना रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, कहीं पे स्किप ना कीजिएगा। आपको क्या करना, आपको लास्ट टेबल को फॉलो करना, लास्ट वाले को। इसमें जाकर आपको क्या चेक करना है कि कौन से ईयर में आकर सबसे कम कॉस्ट आ रहा है, सबसे कम, सबसे मिनिमम कॉस्ट पहुंच रहा है। और उसके बाद देखिएगा इंक्रीज होता दिखेगा आपको। देखो फर्स्ट ईयर को ऑलवेज छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में तो चेंज नहीं करेंगे। सेकंड ईयर का देखिए 2250 है, थर्ड ईयर का 2066 है, थर्ड के बाद फोर्थ ईयर का 25550 है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो, तो सबसे लोवेस्ट आपको कौन सी ईयर में दिख रहा है, थर्ड ईयर में दिख रहा है, 2066 दिख रहा है। उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको, मतलब आपको ऐसे तो मिनिमम ही सिलेक्ट करना है, पर वो मिनिमम भी दिखेगा। उसके बाद आपको ऑलवेज कॉस्ट इंक्रीज करता हुआ दिखेगा,
सबसे स्मॉल है 2000 है के नहीं, उसके बाद आपको इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो रहा है, राइट ना, यहां से डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हुआ और उसके बाद ऑटोमेटिक इंक्रीज हुआ। तो ये वाले ईयर में आपको आपको क्या करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका कॉस्ट इंक्रीज होने वाला है। मतलब सबसे स्मॉल देखना है आपको, जो स्मॉल वैल्यू रहेगी, और उसके बाद एक बार देख भी लेना है उसके बाद इंक्रीज होना चाहिए, राइट ना। तो ये वाला ईयर कौन सा है, थर्ड ईयर, तो वो थर्ड ईयर में जाके ये रिप्लेस कर देना चाहिए। तो आपको राइट डाउन करना है आंसर, ऐसा लिख सकते हो गुजराती में, तीजा वर्ष ना अंत यंत्र या मशीन फिर बदलू जो ये के लाभदायक थस है। बार आप इंग्लिश में लिख सकते हो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर बार मशीन शुड बी दिस रिप्लेस, मशीन शुड बी रिप्लेस, आपको रैंडम कर देना। आपने सिलेक्ट कैसा, कौन सा ईयर किया, थर्ड ईयर किया, कैसे किया, तीजा वर्ष, वो सबसे मेन पॉइंट है समझने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने टेबल कंप्लीट किया, वैल्यू कहां से रैंडम कर दी। इसी तरह से आपको फिर बदली रिप्लेसमेंट के सारे सम्स सॉल्व करने रहेंगे। हाँ, दूसरी बात है, इसमें आपको टेबल में दिया गया था इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको सम्स के अंदर पैराग्राफ में भी सम्स आता है, वो भी सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। अगर थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाएगा तो उसका भी आंसर आपका आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है इस टाइप के सम्स में तो मुझे कमेंट में करके बताना, कमेंट लिख के बताना, जिससे मैं इस टाइप का वीडियो एक और अपलोड कर सको आपको एक्सप्लेन करने के लिए मेथड। आई होप आपको समझ में आएगा, समझ में आए तो उसे लाइक करना है, शेयर करना है, और क्वेरी रहती हूं तो मुझे कमेंट करके बताना, या वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।